ही स्प्लेंडर बाइक, और इस बाइक का बार बार फ्यूज शॉर्ट कर रहा है, और जब भी फ्यूज शॉर्ट हो जाती है तो वहाँ इग्निशन स्विच तक लाइट नहीं आती और हॉर्न नहीं बजता या फिर सेल्फ काम नहीं करता है। और इसमें ऐसा भी होता है कि आपकी बैटरी चार्जिंग भी काम नहीं करेगी। और ठीक है, तो इसमें दो फ्यूज होते हैं लगे हुए, देखिए सर, एक रेड टाइप का होता है, एक ब्लू टाइप का होता है, एक में 10 नंबर का होता है, दूसरा 15 नंबर का होता है। तो इनमें से कोई भी अगर फ्यूज शॉर्ट कर जाए तो वहाँ इग्निशन स्विच तक लाइट नहीं पहुँचती है, इग्निशन स्विच वहाँ तक, लेकिन गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाती है, बाइक स्टार्ट हो जाती है। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे ये भी कंप्लेंट आई हुई है, तो ये फ्यूज़ शॉर्ट किया गया है, लेकिन ये फ्यूज़ शॉर्ट होता क्यों है वो चीज़ें आखिर में हम जानने वाले हैं। असल चीज़ें वो है दोस्तों कि यहाँ देख सकते हैं ये बीच में जो फ्यूज होता है ये शॉर्ट कर गया, ये एल्युमिनियम का होता है, और इसका भी दोनों फ्यूज़ शॉर्ट किया गया है। इससे पहले भी एक फ्यूज जिसका चेंज हुआ है ये भी शॉर्ट किया गया है, और अभी जो इसमें लगा हुआ था और ये भी शॉर्ट किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसमें हम दूसरा फ्यूज लगाएंगे, लेकिन लगाने से पहले हम ये देखेंगे आखिर कंप्लेंट कहाँ है, ये बार बार फ्यूज़ शॉर्ट क्यों हो रही है। तो अक्सर दोस्तों हमने ये देखा है कि फ्यूज़ शॉर्ट होने का कारण यही होता है कि जो इसकी जो रेड वाली वायर होती है या फिर बैटरी की जो कनेक्शन वायर होती है जहाँ तक भी गई हुई है, वो वायर अगर बॉडी से टच हो जाए, बॉडी से टच कर जाए तो वो फ्यूज़ शॉर्ट कर जाएगी। ठीक है, तो यही इसी तरीके से मैंने इसको चेक किया, हमने देखा ये ज़्यादातर कई बार क्या होता है, अगर हॉर्न शॉर्ट कर जाए तो उससे हो जाएगी, या फिर कोई वायरिंग वहाँ से उस साइड में से लेफ्ट साइड में से चेचिस के पास से वायर कट जाए और बॉडी से टच हो जाए तो उसके वजह से भी फ्यूज शॉर्ट करेगी। लेकिन इसका कंप्लेंट मैंने देख लिया है कहाँ पर है, इसका कंप्लेंट दोस्तों यहाँ पर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे पहले मैं आपको फ्यूज लगा के दिखाता हूँ। ये फ्यूज हमारे पास, ये 10 नंबर के फ्यूज है, इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। ये मैंने लगा दिया। अब इसे लगाने के बाद जैसे हम इसे लगाते हैं तो यहाँ पे लाइट भी आ जाती है, ये न्यूट्रल लाइट भी जल जाती है, हॉर्न भी बजने लगता है और सेल्फ भी लेने लगता है। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि सेल्फ तो ले रहा है लेकिन हॉर्न नहीं बज रहा, हॉर्न जब हम बजाते हैं तो ये लाइट डाउन कर जाती है। तो कारण पहले मैं आपको बता दूँ, उसके बाद मैं फिर सही करूँगा, क्योंकि हो सकता है फिर इसका फ्यूज शॉर्ट कर जाए। तो अगर हम इसका सेल्फ लेते हैं तो सेल्फ तो काम कर लेता है, सेल्फ काम कर गया, और जब मैं हॉर्न बजाऊं, हॉर्न में जब जो बजाता हूं तो देखिए कभी कभी बजता है, कभी यहां पे लोड ले लेता है। तो ये कंप्लेंट दोस्तों यहां से आ रही है, ये देखिए फाइनल इसका दोस्तों यहां पे हॉर्न है और हॉर्न का जो वायर है दोस्तों यहां पे है, और इसका वायर यहीं पे शॉर्ट कर रहा है बॉडी से, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, ये देखिए। तो आपने देखा कि यहाँ पे चिंगारी दे रही है, साथ में धुआं भी दिखाई दिया। तो ये जो वायर है दोस्तों हॉर्न का, जो डायरेक्ट बैटरी का कनेक्शन होता है, ये बॉडी से शॉर्ट कर रहा है, इसीलिए इसका फ्यूज बार बार शॉर्ट हो जाती है। तो अब इसे हमें सही करने के लिए हम क्या करना होगा, इसे खोलना होगा, इस वायर को खोलना होगा, और ये वायर ऐसे नहीं खुलेगी क्योंकि यहाँ पर एक कनेक्टर लगा हुआ है, जो हमें कनेक्टर को बाहर निकालना पड़ेगा तभी हम इस वायर को बाहर की ओर खींच पाएंगे। तो इसके लिए हम इस टूल बॉक्स को बाहर निकालेंगे, 2 10 नंबर का बोल्ट इसके अंदर होती है, ये देख लीजिए, 2 बोल्ट वहाँ होगी, 1 बोल्ट यहाँ होगी, उसके बाद फिर उस साइड से एक कवर खोलना होगा, फिर इसको बाहर निकाल लेंगे, फिर इस कनेक्टर को आप बोल्ट खोल के बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद ये वायर बाहर की ओर निकल जाएगी। फिर हम इसमें क्या करेंगे, टैप लगा देंगे, और फिर लगाने के बाद ये सही तरीके से काम करने लगेगी और बार बार फ्यूज शॉर्ट नहीं करेगी। तो मैंने इसका वायर टैपिंग कर दिया यहाँ से, और जब मैं हॉर्न अब बजाता हूँ तो अच्छे तरीके से बजने लगी है, तो अब ये बिल्कुल भी मिस नहीं करता है और अच्छे तरीके से काम करने लगा, और इसके मेरे ख्याल से अब फ्यूज़ भी शॉर्ट नहीं करेगी। तो ये सब कारण होता है दोस्तों फ्यूज़ शॉर्ट होने का, और भी कई सारी वजह हो सकती है, जिसे मैं आपको बताया कि वहाँ पे हैंडल के साइड में कोई वायर कट जाती है, यानी किसी भी तरीके से इसका बैटरी का जो रेड वाला वायर होता है, इसका जो प्लस वाला वायर होता है, ये बॉडी से अगर शॉर्ट करेगी तो इसका फ्यूज़ शॉर्ट कर जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।